पीटीसी न्यूज़ की खास पेशकश की समझे थोड़ा स्वागत है। मैं हां नीरज पाली। अज दरअसल इस पहली खबर के बीच विकास की गल कर लीए, क्योंकि देश आजाद तो लैके हुण तक विकास दल्ला कई सियासतदाना कई सियासी पार्टियां ने अज तक कीतिया ने। किहोजा विकास अज तक एक आम इंसान को मिले है, ये किसी तो लुकिया नहीं है। दरअसल अज उस विकास की गल कर जा रहे हैं जिस विकास ने कई जहन के एक लंबी छाप छड़ दी है। अज दरअसल उस विकास की इस पहली खबर के गल कर जा रहे हैं जिस विकास के सदका कई सियासतदाना दियाँ तकदीर तहरीर बदल गई, कई किस्मत चमक गई। दरअसल अज उस विकास की गल कर जा रहे हैं जो 2014 के लोगों के दिलों दिमाग के छा चुकी सी। जी हाँ, भाजपा शासित सूबे के होने वाले विकास की गल। जमीन तो उड़ती जरूरत वाली यह दुहाई जी वाकई भारत की तस्वीर है। चार मोटे ते जांदी है चार पाई, जी हां वाकई भारत की तस्वीर है। मां दी अखां बंद डर वाली है जुदाई, जी हां वाकई भारत की तस्वीर है। जी हां वाकई भारत की तस्वीर है जो तुहानू सामने विखाई एक घटना के रूप च, जो सामने आई यह सच्ची, यह सच्ची भारत की ही तस्वीर है। इन्हां तस्वीरां नू वेख के की समझिए, कि समझिए कि यह न्यू इंडिया, कि यह समझिए कि वह ने अच्छे दिन, कि यह समझिए कि त्रासदी वाली यह तस्वीर साड़िया किस्मत च लिख दी गई ने जो साडा मुकद्दर बन गया है, या यह समझिए कि हकीकत वाली अजिहियां कहानियां साडे मत्थे मड़िया जानियां ने, या यह समझिए कि व्यवस्थावां वाले खेड अज भी जारी ने जो पिछले 7 दहाकों तो अज तक सियासतदान एक आम इंसान के नाल खेड रहे ने, या यह समझिए कि दुश्वारी जिल्लत रुसवाई माड़े हालात साडिया किस्मत च हमेशा दे लई लिख दिते गए ने। खैर, समझना समझाना की है ये सब जानते हैं। तुसीं किस्सा वेखो, कुछ पल अफसोस करो, वीडियो शेयर करो, ते कोसो एक दो दिन अज तक दियां सारियां सरकारां नूं किस्सा नूं दित्ता की। दरअसल यह गुस्सा है, तलखी है, नाराजगी है, इसलिए क्योंकि देश आजाद होने तो बाद अज तक इस मौजूदा भाजपा शासित सूबे हिमाचल के ज्वालामुखी के बलहेड़ा पिंड च ना सड़क, ना एंबूलेंस, ना डॉक्टर, ना अस्पताल, ना सरकार, ना सरकार की व्यवस्था। जी हाँ, ताइयों तो अजिही तस्वीर सामने आई जो तुहानू विखाई। बाकी पूरा माजरा की है सुना इन्हां दे मुंहों दे लिया। पर हमारी समस्या ये है कि ये आप देख रहे हैं पिछली साइड, ये रास्ता जो है हमने खुद बनाया हुआ है, हम गाँव वालों ने इकट्ठे होके ये जितने भी झाड़ियाँ चढ़ी हुई थी हमने खुद करी थी। पंचायत से किसी भी सरकार से हमें आज दिन तक जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमें रास्ते पर किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिला है, ना कोई काम हुआ है। हमारे यहाँ पर कोई बुज़ुर्ग कोई बीमार हो जाता है तो उसको उठाकर चारपाई पे उठाकर ले जाया जाता है और ऐसी झाड़ियों में से निकलते हैं, और जो आगे रास्ते हैं वो पहाड़ी है बहुत ज़्यादा बड़ी, और उस पहाड़ी पर चढ़ने में इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है कि मरीज़ को हॉस्पिटल पहुँचाना बहुत मुश्किल है। और आज के दौर में खास करके कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा समस्या आ रही है। पिछले दिनों ये भाई साहब है हमारे, किशोरी लाल है नाम इनका, और इनके माताजी बीमार हो गए जिनकी उम्र जो है 90 वर्ष है इस टाइम। तो उनको बीमार होने पर क्या समस्या आएगी ये भाई साहब बताएंगे, खुद बताएंगे कि इनकी माँ को हॉस्पिटल लेके जाना था तो 4 आदमी नहीं मिल रहे थे उठाने के लिए। 4 आदमी तो पाई उस रामराज कहे जाने वाले भाजपा शासित सूबे च भी लोगों नसीब नहीं होए, जिथे लाशा नु गंगा च बहा दिता गया। जिस सूबे नु जितने लई दोबारा तो मंथन हो रहा है कि किसनु हटाया जावे, किसनु लियाया जावे ताकि सूबा हथों ना जावे। खैर, भाई साहब नु भी सुन लो, शायद सरकार तक आवाज पहुंच ही जाए पर उम्मीद घट ही लगती है। बहरहाल सुन, मेरी माँ पिछले दिन बीमार हुई तो ले जाने के लिए बड़ी समस्या बनी, इसके ऊपर मैंने चारपाई से उठा कर लेके गया और आदमी नहीं ही मिलते हैं क्योंकि सभी घर जा रहे हैं, इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि एम्बुलेंस रोड बनाया जाए। जी हाँ, एक आम आदमी की मां बारे वह आदमी खुद बयान कर रहा है। मासूमियत की हद वेखो कि उस सरकार को बेनती करता करता भुल ही गया कि उसने सरकार को कहना की है। दरअसल ये समझे कि इसे मासूमियत का फायदा आज तक दोवें सियासी पार्टियां ने चुकया, कदे कांग्रेस सत्ता च कदे भाजपा, कदे भाजपा सत्ता च कदे कांग्रेस सत्ता च, बस यो होया विकास। कि विकास
ਉਹ ਜੋ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਛੁੰਛੁਣਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹਿਰਾਲ ਕਿੱਸਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਸਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣੋਗੇ ਕੱਲ ਜੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ। पहाड़ी ऐसे रास्ते उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, उन रास्तों से निकलना तो कैसे जाते आदमी, तो बड़ी मुश्किल से 4-5 आदमी ने उन्हें इकट्ठे किए। एक दिन में नहीं हुए, दूसरे दिन लेके गए उनको, क्योंकि एक दिन में 4-5 आदमी इकट्ठे नहीं हुए थे, तो उस दिन घर में ही रहे और काफ़ी समस्या हुई। और दूसरे दिन 4-5 आदमी इकट्ठे किए, तब ले जाके उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। ये हमारे साथ खड़े हैं भाई साहब, इनको पता है, हमारे साथ लेडीज़ भी लगी हुई थी, एक जो आप क्लिप देख सकते हैं हमने पहले बनाया हुआ, उसमें एक लेडीज़ भी कंधा लगा रही है चारपाई को। तो हमें ये बहुत ज़्यादा समस्या, हम चाहते हैं कि सरकार, क्या ये कोरोना काल लगा रहेगा तो क्या हम ऐसे ही इस शोषण का शिकार होते रहेंगे? बस यार बस, सरकारों नू वालियां डिमांडा नहीं खरीदियां, सरकारां खफा हो जांदियां ने। गलती किसती है? अजिहियां व्यवस्था अपने गले पाउण दे लई जिम्मेवार कौन है? अजिहे हालात बनाउण दे लई नरक किसने अपने पल्ले पाया ते सच किसने किस तों लुकाया? इह अपने अंदर झाती मारना, गंगा च जिन्हां ने लाशां बहाईयां उह वी ते तुसीं वी। रही गल शोषण की, भोलिया किस दौर दल्ला करता है, जो मिल रहा है वो ले जा चुप करके। सुने ज्यादा बोलन वाले तो सरकार खुश नहीं होंगे। ज्वालामुखी के चंगर के पिंड बलहेड़ा तो पंकज शर्मा, PTC। दरअसल एक विकास की कहानी का तुम देख ली, एक विकास वाली लगभग मिलती जुलती तस्वीर तुम्हें अभी दिखा जा रहे हैं। भाजपा शासित सूबा नहीं, कांग्रेस शासित सूबे पंजाब के विचों। जी हाँ, जिस ढंग के नाल कुछ मुलाजमान के वलों कुछ अपीलां दलीलां कीती गईयां, लेकिन उस तो बाद हुण जो तस्वीर निकल के सामने आ चुकी ने, अपने आप दे विच कई सवाल खड़े कर दिए ने, जो सरकार की व्यवस्था या कुव्यवस्था कितने ना कितने दर्शाती है। दरअसल सही मायने दे विच बसां नूं लैके खबर है, तुम ये ना सोचो कि कितने महिलावां दे बसा दे विच फ्री सफर नूं लैके तुहानूं असीं खबर विखाउण जा रहे हैं। दरअसल सही मायने दे विच बसां दे विच हुण अनाउंसमेंट होण लग पई है सरकार नूं लैके, कि सरकार तुहाडे बच्चों का भविख खराब कर सकती है। जी हाँ, वाकई तुसीं सही सुनिया कि हुण लोकां दीआं जुबानां तो निकल के ये आवाज़ जो है ये बसा दे विच भी गूंजन लग पई है माइक के जरिए। दिखाउण जा रहे इस खास रिपोर्ट नूं, जरा गौर नाल वेखियो, विकास दे नाल कितने कितने मिलदी जुलदी तस्वीर है, वेखो। अजिहे च हर थां तुहानूं अनाउंसमेंट जरूर सुनाई देंदी होवेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग दा ध्यान रखो, मास्क पाके रखो, वैक्सीन लगवाओ। पर अजकल पंजाब दीआं बसां च जो अनाउंसमेंट हो रही है वह सुननी भी पंजाब दे लोकां दे लई शायद बेहद जरूरी है। सो जरा गौर नाल सुनियो। पंजाब च चोणां नूं लैके कुछ ही समा बचा होया है, पर कांग्रेस सरकार नूं फिकर करन दी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सूबे दीआं बसां च उन्हां दा खूब प्रचार किया जा रहा है स्पीकर लाके। जी हाँ, अजकल पंजाब दीआं बसां च बस चलन तो पहला सवारियां नूं टिकट देने तो पहला एक अनाउंसमेंट की जा रही है कि सरकारां तुहाडे बच्चे दे भविख दे नाल खिलवाड़ कर रही ने। सरकारी महकमां नूं साजिशन प्राइवेट हत्था च सौंपिया जा रहा है। भाई, अजिहियां सरकारां तो बच के रहो। इना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा कि इन्हां दे इस माड़े शासन का अंत कर दिओ, नहीं तो इन्होंने सरकारी महकमे सरकारी नौकरियों का अंत कर देना है। जी हाँ, यह अनाउंसमेंट हो रही है पनबस PRTC ते पंजाब रोडवे दीआं बसां च। मैं लोगों को अपील करना भी जो ये सरकार चाहे कोई भी हो, इन्हों सवाल किए जा भी तुम साढ़े लिए किया की है। सरकार ने घर घर नौकरी बारे आख्या आप, पर घर घर नौकरी मिली किसी को? सरकार तो जड़िया पहलिया भी प्राइवेट नौकरियां वो भी अपने हथों खोई जा रही ने। सरकार ने कुछ भी नहीं किया जी हाले तक 4.5 साल जिवें इन्होंने व्डे व्डे वादे किए थे भी असी घर घर रोज़गार देंगे, लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी देनी तो एक पासे जी, इन्होंने सारा कुछ प्राइवेट घराणियां नूं देण दा फैसला कर लिया जी। 4.5 साल हो गए जी कैप्टन सरकार वाली बनी नूं,
पर सरकार वालों किसी भी डिपार्टमेंट च मैं नहीं लगता एक भी बंदा पक्का होगा। साढ़े पी आर टी सी की गल करदा मैं, साढ़े 15-15, 16-16 साल तो मुलाजम कच्चे ठेकेदारी सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हैं, उन्हों का बहुत घट तनखाह दित्तियां जा रही ने, बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा। बसों के बाहर साफ लिखा होया शाने पेप्सू, इस बस के अंदर किवें सरकार की शान वधाई जा रही है वो तुसी वेख ही लिया। इन्हां मुलाजमान का साफ तौर पर कहना है कि हुण स्कूलों कॉलेजों नूं बंद करके पंजाब के आने वाले भविख में अनपढ़ बनाउण दीआं कुछ साजिशां रचियां जा रही ने, ताजो कोई पढ़ लिख के सरकार के काले कारनामे खिलाफ बगावत ना कर सके। इन्हां प्रदर्शनकारी मुलाजमान वालों ये मंग की जा रही है कि 10-15 साल तो ठेकेदारी सिस्टम की मार चल रहे कच्चे मुलाजमान नूं फौरन पक्का किया जाए, ताइयों तां अजिहे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सरकार नूं कहना चाहना भी सानू, असी 2010 दे भर्ती हाँ, हाले तक बिल्कुल कच्चे ही काम कर रहे हैं। मैं सरकार नूं बेनती करदा भी साढ़े भी परिवार ने, साढ़े बच्चे ने, साढ़े वाले भी ध्यान दिता जाए। मैं सरकार नूं अपील करदा कि स्कूल ते ट्रांसपोर्ट मापिया ने थोड़ी जी देख के नत्त पाई जाए। जेड़े स्कूल बंद ने वह भी अपनी ट्यूशन फीस लै रहे हैं, ट्यूशन फीस इन्नी ज़्यादा कि आम असी जेड़े कनैक्टर ड्राइवर ने ठेकेदारी सिस्टम से काम करते हैं, साढ़े तो फीस नहीं भरी जा रही। प्रदर्शनकारियों के वलों नाल ही सरकार को यह भी चेतावनी दे दी गई है कि अजे तो सरकार के खिलाफ बस अड्डिया से बसों में भंडी प्रचार किया जा रहा है, तो जेकर सरकार ने उन्होंने मंगा ना मनिया तो 28, 29 और 30 जून उन्होंने वालों हड़ताल भी रखी जाएगी। पटियाला तो गगनदीप आहूजा, PTC न्यूज। पेश कर जा रहे हैं एक अजिही खबर जो विकास के नाल तो नहीं कितने कितने रिश्तों के प्यार दरा कितने कितने दर्शाती है। दरअसल दो खबर निकल के सामने आईया ने, दोनों कतल के तालुकात रख दिया ने। एक दे विच एक प्यो ने अपने मुंडे नू कुछ कारण के करके मार दिता। जी हाँ, दरअसल सही मायने दे विच उस शख्स नू पुलिस ने इस करके फड़िया क्योंकि सरपंच नू उस व्यक्ति पर शक हो गया सी। और दूसरी खबर दे विच एक प्यो पुत नू मौत दे घाट उतार दिता गया, दसिया जा रहा है कि जमीनी विवाद सी। लेकिन सही मायने दे विच जो ये दो तस्वीर निकल के सामने आईया ने वो पंजाब दे विच दर्शाउंदियां ने कि किस तरह दे नाल कुछ शरारती अंसरां दे दिलां दे विच पंजाब पुलिस दा या सरकार दा खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है। देखो इस रिपोर्ट। जमीन ते डुलिया है खून, घर च पिछे सत्थर, अखां च आए हंजू, इस गल का सबूत ने कि अज दे दौर च खून का रिश्तों का रंग फिक्का पै गया। लोगों के लिए रिश्ते नाते पैसे जरूरी ने, जमीन का छोटा जा टुकड़ा किसी की जान के नालों वध कीमती है। इन्हां दो तस्वीरों नूं देखने तो बाद शायद यो लगता है यह दोवें तस्वीर समाणा दियां ने। पहला मामला पिंड देरना तो सामने आया है जिथे एक प्यो ने ही अपने बेटे का बेरहमी के नाल कतल कर दिता। कुलाड़ी दे नाल उसके सिर ते कई वार किए अते अपने हाथी लाटा नाल पाल पोस के वड्डे किते बेटे नूं मौत दे घाट उतार दिता। वजह सुन के तुसी भी शायद हैरान रह जाओगे। दरअसल मृतक कोई कम नहीं करता सी, जिस दे चलदियां अक्सर ही घर दे विच कलेश रहिंदा सी, लड़ाई झगड़ा रहिंदा सी। एक दिन अजिहा झगड़ा इन्ना वध गया कि किसी दी जिंदगी खोण तों बाद ही शांत हो गया। मौका विजिट किया गया जी, मौके ते जाके बॉडी दा एग्जामिन किया, क्राइम द स्पॉट का एग्जामिन किया और उतों सारा चीज़ा हालात देख के और ये फादर का जी मूवमेंट सारी चैक करके और जो उन्हें दसाया कि मैं कितने कितने हाँ, सारे क्रॉस चैक करके प्रॉपर उन्होंने वेरीफाई किया गया, जिन्हें कि एडमिट कर लिया इस गल में। सानू जो क्राइम च वैपन यूज़ हुआ कुहाड़ी वो भी रिकवर हो गई है और वह फादर ने दसाया कि ये आम तौर पर कम नहीं करता सीगा, तो इन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची सी 2 साल पहला, उस प्रॉपर्टी जिहड़े पैसे सीगे वो सारे मुंडे ने अपने नाम करा ले, तो वह प्रॉपर्टी के पैसों को मिसयूज कर रहे थे, इस करके इन्हों का डिस्प्यूट रहता है, इस डिस्प्यूट के चलते यह मर्डर होया। अपने इस जुर्म को लुकाउन के लिए इस कातल प्यो के वलों पिंड के लोगों को यह कह गया कि उसके बेटे की ज्यादा शराब पीने नाल मौत हो गई है, पर पिंड के सरपंच को उसते शक हो गया। पुलिस को इतलाह दी गई और जब पुलिस ने मुलजम के कोलों सख्ती नाल पुछगिछ की तो कई खुलासे निकल के सामने आए। कहा जा रहा है कि उसने अपने जुर्म कबूल कर लिया। कहिंदा जी मुंडा रात दारू ज्यादा पींदा जी, दारू पी के मर गया जी, तो मैं कल्ला जी, मेरी हेल्प करो तुसीं, संस्कार करवाओ मेरे नाल बंदे जाके। तो जी मैं कुछ बंदे नूं होर जिहड़ा इहनां दा परिवार सीगा जी, ताए चाचे, मैं उन्होंने फोन करके बुलाया, कुछ मोहतबर बंदे होर बुलाए पिंड चों, मैं चलो जी आपां हेल्प करवा दईए नाल जाके जी। जदों साने जाके देखिया जी उहदे सिर दे विच सट्टां वज्जी हुई सी,
ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਘਵੜੀ ਘਵੜੀ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਮੁਨਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਧਰ ਪਾਤੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹਮਚੜੀ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਲ ਉੱਠਿਆ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਛਾਣਬੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਡੇਢ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੀ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 5-6 ਗਨ ਸ਼ੋਟਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਰਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ DSP ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ SHO ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਿਦਇਨ 4-5 ਮਿੰਟਸ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੱਕਾ ਪੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖੈਰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ PTC ਨਿਊਜ਼